हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एवरेज फॉर्मूले की सीरीज के फॉर्मूले एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल ली हुई है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज के नेम है और उनकी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की सेल है। अब मैं वन बाय वन इन सभी एम्प्लॉयज की एवरेज निकालूंगा, उन्होंने जो सेल की है उनकी टोटल मुझे एवरेज निकालनी है। ऐसे एवरेज, उसके बाद एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के हम इनकी एवरेज निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एवरेज निकालता हूं, तो मैं इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट नंबर में मैं इन सभी वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहां पर ड्रैग कर लूंगा। तो आप देखोगे यहां पर इन सभी एम्प्लॉयज की मुझे एवरेज मिल जाएगी। कृष्णा की टोटल चार मंथ की सेल की एवरेज 218 है, ऐसे अंकिता की चार मंथ की सेल की एवरेज 292 है। तो इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एवरेज है। दोस्तों पहले तो हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। एवरेज है फॉर्मूला हमारा जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है उसको वो स्किप कर देता है, यानी अगर मैं जैसे इनमें से कोई भी एक वैल्यू, जैसे मैंने मार्च को यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हमारी एवरेज चेंज हो गई है। पहले इसकी एवरेज थी हमारी 218, क्योंकि उसने चारों वैल्यूज की सम कर निकाली थी और उसके बाद में उसको चार से डिवाइड कर दिया था, तब हमारा आंसर 218 आया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 110 को यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर उसने 254 उसकी एवरेज निकाली। उसने ऐसा क्या किया, यहाँ पर 110 को छोड़कर इन दोनों का सम निकाला और इसका सम निकाला, उसके बाद में उसको चार से डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन एवरेज फॉर्मूला क्या करता है, एवरेज फॉर्मूला हमारी टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग को स्किप कर देता है और बाकी सभी वैल्यूज का एवरेज निकाल के हमें दे देगा। इसके लिए मैं इक्वल टू एवरेज ए ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू में मैं इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एवरेज 191 आई है। उसने क्या किया, इन दोनों का सम निकाला और इसका सम निकाला, उसके बाद में उसको तीन से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम एवरेज ए फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज इफ। दोस्तों एवरेज इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है, एवरेज इफ वाला फॉर्मूला हमारा कंडीशन पे काम करता है। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे इन सभी एम्प्लॉयज़ की जिस मंथ में 200 से ज़्यादा उसने सेल किया है, मुझे सिर्फ उन्हीं का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज में मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में मैं क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं F4 से लॉक कर दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे कृष्णा ने यहाँ पर जनवरी में 260 सेल किया और 344 किया और यहाँ पर 110 किया। मैं इसको वापस नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर इसकी एवरेज चेंज होगी। यहाँ वापस आप देखते हैं तो कृष्णा ने जनवरी में 260 की सेल की है, फरवरी में 344 की सेल की, लेकिन मार्च में उसने 110 की सेल की और अप्रैल में 160 की सेल किया। तो उसने क्या किया है, जो भी 200 से ज़्यादा की सेल है सिर्फ उन दोनों की एवरेज निकाली। यहाँ पर हम दोनों को देखते हैं तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर अगर हम इन दोनों की सेल का एवरेज देखते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर दोनों का सम 604 आया है और यहाँ पर उसकी एवरेज 302 आई है और हमारा आंसर भी 302 है। तो इस तरह से हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज फॉर्मूले से किसी भी एम्प्लॉय की सेल की एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज इफ्स। अब एवरेज इफ्स फॉर्मूला क्या करता है, एवरेज इफ फॉर्मूले तो हमारा सिर्फ हम इसमें एक कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरेज इफ फॉर्मूले से हम मल्टी कंडीशन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन दी हुई है क्राइटेरिया वन में, मुझे अब इन एम्प्लॉयज की सेल में जिस एम्प्लॉय ने किसी भी मंथ में 150 से ज्यादा की सेल की है और साथ साथ 250 से कम की सेल की है, मुझे सिर्फ उन्हीं की एवरेज निकालनी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज रेंज में मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज में मैं मुझे इन सेल के अकॉर्डिंग एवरेज निकालनी है, तो मैं इन सेल को वापस सेलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया वन में मैं मेरा क्राइटेरिया वन है ये 150 ग्रेटर देन 150, तो मैं क्या करूंगा इसको F4 से लॉक कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेशियो मैं वापस इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया टू मेरा ये लेस देन 250, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और उसको F4 से लॉक कर दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर मेरी एवरेज इफ्स यानी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमने कंडीशन दी हुई है क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 260 है यहाँ पर, लेकिन हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 250 से कम की एवरेज निकालनी, तो उसने इसको स्किप कर दिया। ऐसी सेम यहाँ पर 344 को भी स्किप कर दिया, लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ पर मार्च में इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा 150 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 150 से कम, तो उसको भी स्किप कर दिया। ओनली इसकी जो अप्रैल की एवरेज है, अप्रैल की सेल है वो 160 है और यहाँ पर उसकी एवरेज भी 160 आ गई है। तो इस तरह से हम दोस्तों अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी एवरेज निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।